वो सपोर्ट नहीं कर, अब भाई किस तरह जाके सपोर्ट करूं, लेट जाऊंगा जाके कपड़े उतार के, अपने कपड़े उतार के बोलूं कि सर मेरे ऊपर से चल के चले जाए, इस तरह सपोर्ट करूं, या सबको जाके एक को तौलिया दूं कि यार कोई मसला नहीं, बड़े थक के आ रहे हो, पसीना पोंछो, एक एक को जाके पानी की बोतलें दें, क्या करें, कैसी सपोर्ट और एक मैच में परफॉर्म तो करके दिखा, वो बड़े मैच के प्लेयर है, खुद अकेले अपने दम पे वो मैच को जिता के बाहर चले जाते हैं। और ये बाबर आजम की वजह से, लेट मी से दैट, बाबर आजम की वजह से, बाबर आजम की जिद की वजह से, और बाबर आजम की बहुत ही बिलो द एवरेज पुअर कैप्टेंसी की वजह से आज पाकिस्तान के हाथ से ये बड़ा मौका चला गया है। बाबर आजम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, बाबर आजम बतौर कप्तान, बाबर आजम की सिलेक्शन, बाबर आजम की जिद, बाबर आजम का गरूर, ये पाकिस्तान को ले डूबा। हकदारों के साथ बाबर आजम की ना इंसाफी पाकिस्तान को ले डूबी, किसी की बद्दुआ पाकिस्तान को ले डूबी, बाबर आजम को ले डूबी। और आज सारी कौम इस बात पे परेशान है कि आखिरकार पाकिस्तान ने फाइनल में खेला क्या है। शर्म का मकाम है यार, शर्म का मकाम है, किस तरह से श्रीलंका और एब्सोल्यूट बैम्बूजल यू। हर उस क्रिकेट के मुजाहिद से जो कि आके खामोशी से बता दे कि भाई साहब आप गलत बात कर रहे हैं, एक मुझे सिर्फ यहां बात बता दीजिए कि किसी भी क्राइटेरिया के अंदर, किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आपको यह देखना होता है कि पर्सनल या एक प्रेफरेंसेस हैं या मेरिट। आप अगर पर्सनल प्रेफरेंसेस पे जाते हैं तो आप या फिर उन्हीं के साथ यू मस्ट बी रेडी कि ये चल जाएंगे या नहीं चल जाएंगे। ना अब्दुल्ला के पास लिफ्ट का एक्सपीरियंस है, ना हारिस के पास लिफ्ट का एक्सपीरियंस, लेकिन दोनों पर्सनल प्रेफरेंस। सो उस वक्त जब ये बात होती है तो लोग फौरन से ये क्यों बोल रहे हो, सपोर्ट नहीं कर, अबे भाई किस तरह जाके सपोर्ट करूं, लेट जाऊंगा जाके कपड़े उतार के, अपने कपड़े उतार के बोलूं कि सर मेरे ऊपर से चल के चले जाए, इस तरह सपोर्ट करूं, या सबको जाके एक तौलिया दूं कि यार कोई मसला नहीं, बड़े थक के आ रहे हो, पसीना पोंछो, एक एक को जाके पानी की बोतलें दें, क्या करें, कैसी सपोर्ट और चाहिए। यहां बैठ के क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद आवर टीम, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, एंड वी विल डिबेट अराउंड इट, एंड वी विल वेट, वी विल चीयर फॉर द गेम्स। बट हकीकत क्या है कि नोबडी वांट्स टू लिसन टू एन अनकंफर्टेबल ट्रुथ। और इसके फैंस दिन रात जो है वो गीत गाते हुए थकते नहीं है भाई, हमारा किंग है भाई, कोहली से आगे चला गया भाई, बड़ा प्लेयर है, कंसिस्टेंट है भाई, और कौन सा किंग है भाई, मुझे तो इसकी किंग वाली परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। कहां पर ये खेलता है मुझे ये बता दो, कौन सा ऐसा कमरा है जहां पर जाके ये किंग वाली परफॉर्मेंस देता है, और तुम लोगों को लगता है कि यार ये किंग है, ऐसे ही होते हैं किंग। बड़ा प्लेयर बड़े मैच में खेलता है जब टीम को जरूरत होती है, जब कंट्री को जरूरत होती है, ये तब खेलता है जब इसको लगता है कि सामने छोटी सी टीम है और मैं जो है वो 100-150 बना के अपनी एवरेज बेहतरीन कर लूंगा और अपनी रैंकिंग नंबर वन जो है बरकरार रखूंगा। आज खेलना था, स्कोर बनाना था, इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें स्कोर बनाना था, नहीं भाई नेपाल के खिलाफ जो है 150 बना के बड़े हवा में हो गए थे सारे कि भाई जो आप हमारे पास किंग है भाई, वो किंग था ना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 122 बना के जो है फेंटा लगा दिया, पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच में आके वो मार के चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी 20 सेंचुरियां हैं, वो होता है किंग, इसको बोलते हैं बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। इसका कंपैरिजन जो है वो कोहली के साथ किया जाता है, रूट के साथ जो है इसको कहा जाता है कि बड़ा प्लेयर है भाई, केन विलियमसन, स्मिथ के साथ, अबे उनके जैसा एक मैच में परफॉर्म तो करके दिखा, वो बड़े मैच के प्लेयर है, खुद अकेले अपने दम पे वो मैच को जिता के बाहर चले जाते हैं। और ये बाबर आजम की वजह से, लेट मी से दैट, बाबर आजम की वजह से, बाबर आजम की जिद की वजह से, और बाबर आजम की बहुत ही बिलो द एवरेज पुअर कैप्टेंसी की वजह से आज पाकिस्तान के हाथ से ये बड़ा मौका चला गया है। बाबर आजम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, बाबर आजम बतौर कप्तान, बाबर आजम की सिलेक्शन, बाबर आजम की जिद, बाबर आजम का गरूर, ये पाकिस्तान को ले डूबा। हकदारों के साथ बाबर आजम की ना इंसाफी पाकिस्तान को ले डूबी, किसी की बद्दुआ पाकिस्तान को ले डूबी, बाबर आजम को ले डूबी। और आज सारी कौम इस बात पे परेशान है कि आखिरकार पाकिस्तान ने फाइनल में खेला क्या है। शर्म का मकाम है यार, शर्म का मकाम है, किस तरह से श्रीलंका और एब्सोल्यूट बैम्बूजल यू गाइस, बैम्बूजल डंडा। बताता हूँ यार आपको, इनको अपने लड़के खिलाने, सलमान आगा के नाक पे बॉल लग गई, ये इंजरी है, खेल सकते थे, मेरे नाक पे बॉल लगी है भाई, क्लब क्रिकेट खेलते हुए मैंने 20 मिनट बाद वापस आके बैटिंग की थी, वो तो पूरा फ्रेम भी आता है आप लगा के फ्रेम खेल सकते हैं जी। तो कहने की बात है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर से बचा लिया, इमाम को भी बचा लिया, सलमान को भी बचा लिया, के एक्सपोज ना हो, कहीं प्रेशर बिल्ड ना हो जाए मुल्क में के यार अब इनको ड्रॉप करो, नए चेहरे लाओ। साहिब अय्यूब मालूम है आपको सीपीएल में किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहा है, इस तरह की कारकर्दगी दिखा रहा है। अगर फखर का कोई तीसरा ओपनर रिप्लेसमेंट रखना है तो वो फखर काइंड ऑफ प्लेयर रखेंगे ना, डिफेंसिव तो है आपके पास,
सारे वही दोस्ती यारी 11 खिलाई है, ये कबीले के लोग हैं भाई, इनको कबीला 11 खिलानी है, इनको प्रॉपर टीम खिलानी नहीं है। ये मैं आपका बाबर आजम, ये है आपका बाबर आजम, इसकी एशिया कप की आपको मैं इनिंग्स बताता हूँ। नेपाल के खिलाफ 150, इंडिया के खिलाफ लोड़े, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ बोल्ड, उसके बाद आज फिर भाईजान का किला उड़ा पीछे से स्टंप पर ने पकड़ के प्रक किया कीपर ने, उसके बाद आप बांग्लादेश वाला देख लो किला, हार्दिक पांड्या ने इसका किला उड़ाया, आज फिर भाईजान का स्टंप आउट हुआ। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। ये है अबू, ये है क्रिकेट का असली अबू, जो पैनिक नहीं करता बड़े मैचेस में, जो बड़े मैचेस में पैनिक नहीं करता। जब जोत जिसने पाकिस्तान की बजाई थी, जिसने आपके प्लेयर इंजर्ड किए हैं, इंडिया के साथ आपने मैच क्या खेला है, आपको तो टीम ही डोरी लंगड़ी हो गई है, आपको तो लास्ट मोमेंट के ऊपर चेंजेस करने पड़े। मेरे घंटे का किंग, मेरे